तो फिर से आप सभी को एक नए वीडियो पर स्वागत करता हूं। मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं डिजिटल जोन रोशन। जैसा कि आप सभी को थंबनेल में दिखाया गया, पर आधार कार्ड में सुधार करने के लिए, जी हां दोस्त, आधार कार्ड में सुधार घर बैठे आप कर सकते हैं। तो आधार कार्ड में सुधार क्या क्या इसमें कर सकते हैं और किस प्रोसेस से करना है, उसका कम्प्लीट जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जितने भी फ्रेंड हुए सभी फ्रेंड को शेयर कर दीजिए ताकि सभी को जानकारी हो पाए कि आधार कार्ड में घर बैठे भी सुधार कर सकते हैं। तो किस तरीके से सुधार करना है, उसका प्रोसेस क्या है, चलिए। सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर जानकारी देना चाहता हूँ कि जो आधार कार्ड में सुधार करने का जो तरीका है, क्या क्या सुधार कर सकते हो। तो जैसे आधार कार्ड में अगर सुधार करना है तो जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस या पिता का नाम, या पिता के जगह पर अगर पति का नाम करना है तो उन सभी का सुधार कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का लिंक करने का प्रोसेस है, तो यहाँ से आधार कार्ड में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को लिंक करने का प्रोसेस नहीं है। उसके लिए आपको आधार सेंटर जाना पड़ेगा। एक बात और भी ध्यान देंगे, जो भी यहाँ पर आप आधार कार्ड में सुधार करेंगे इस माध्यम से, जो मैं इस ट्रिक से बता रहा हूँ, इस ट्रिक से अगर आप अगर आधार कार्ड में किसी भी तरह का अगर सुधार करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले आपको आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा तभी आप इस प्रोसेस को करके पूरा आप घर बैठे आधार कार्ड को 100% आप 24 आवर में सुधार कर सकते हैं। तो सुधार करने का कम्प्लीट प्रोसेस बता रखा हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले आपको टाइप करना है क्रोम ब्राउजर में UIDAI, ये वाला पेज आपको ओपन होगा। ये वाला पेज ओपन कर लेना है इस तरह से क्लिक करके। यहाँ पर आपको इस तरीके से पेज देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है कि लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, इनमें से कौन सा लैंग्वेज आप समझते हैं तो उसके अनुसार से यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इंग्लिश सिलेक्ट कर लेता हूँ इस वाला पर क्लिक करके। और यहाँ पर पेज इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है आधार कार्ड का, यहाँ पर आपको ओपन हो जाएगा। इस वाले ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद इस तरीके से आपको यहाँ पर पूरा डिटेल यहाँ पर दिया गया है। जो भी आप सुधार करना चाहते हैं इसके अनुसार से यहाँ पर देखकर आप कर सकते हैं। तो चलिए, मैं यहाँ पर सुधार करना है मुझे तो ये वाला वेबसाइट पर आना है, myadhar.uidaigov.in वाला पर। इस पर क्लिक कीजिएगा, न्यू पेज आपका इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पर एक आपको आएगा लॉगिन करने का पेज, तो लॉगिन करना होगा यहाँ पर आधार नंबर डालकर। तो यहाँ पर लॉगिन करने का इस तरीके से पेज देखने को मिलेगा। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पहले आधार नंबर मांगा जाएगा, यहाँ पर आधार नंबर डालिएगा। इसके बाद ये वाला कैप्चा है आपको, जो ये कैप्चा आपको शो हो रहा है, इस वाला कैप्चा को आपको इस वाले बॉक्स में फिलअप कीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पर सेंड OTP पर क्लिक कीजिएगा। एक बात यहाँ पर ध्यान दें कि वही लोग यहाँ पर सुधार कर सकते हैं जिनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है और वो मोबाइल नंबर चालू है जिस पर OTP आता है, तभी आप इसमें OTP वेरीफाई करके आप सुधार कर सकते हैं। तो यहाँ पर OTP वेरीफाई करना हुआ, OTP जैसे ही आप वेरीफाई सेंड करें तो OTP आएगा, यहाँ पर OTP डालिएगा। इसके बाद लॉगिन कर लीजिएगा। तो चलिए लॉगिन करके शो कर देता हूँ। मैं यहाँ पर आधार नंबर और ये वाला कैप्चा फिलअप कर चुका, सेंड OTP पर क्लिक करूँगा। सेंड OTP पर जैसे क्लिक करें तो आपको OTP सेंड कर दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा OTP जनरेट सक्सेसफुल, यहाँ पर OTP फिलअप करना है, इसके बाद लॉगिन करना। OTP डालने के बाद आपको लॉगिन करने के यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, लॉगिन हो जाइएगा। लॉगिन होने के बाद पेज कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, जो यहाँ पर सर्विसेज होगी। जो लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा इस वाले पर, तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड दिखाएगा। तो समझिए कि आपका लॉगिन हो चुका है, यहाँ पर लॉगआउट का ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए, मुझे यहाँ पर सुधार करना है नाम को, तो यहाँ पर ऑनलाइन अपडेट सर्विस जो लिखा गया है इस पर क्लिक कीजिएगा ये वाला पेज पर। तो यहाँ पर आपको सुधार करने का ऑप्शन ओपन होगा। इसके बाद यहाँ पर अपडेट आधार ऑनलाइन पर क्लिक कीजिएगा, और इसके बाद यहाँ पर प्रोसीड अपडेट। इसके बाद यहाँ पर आपको डिटेल आ जाएगा, आप इनमें से कौन सा सुधार करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर नाम सुधार करना है, इसलिए इस वाले में टिक लगाऊंगा इस तरीके से। और जो भी आपका सुधार करना होगा इसमें साफ लगा सकते हैं। मुझे यहाँ पर नाम सुधार करना है, इसे नाम सुधार करने का 2 बार मौका दिया जाता है, और डेट ऑफ बर्थ 1 बार, इसके बाद जेंडर 1 बार सुधार करने का मौका दिया जाता है। तो मुझे यहाँ पर नाम सुधार करना, नेम वाला पर टिक आउट लगाऊंगा, इसके बाद प्रोसीड टू अपडेट आधार पर क्लिक करूंगा। और यहाँ पर सभी डिटेल ओपन हो जाएगा, जो पहले से डिटेल अवेलेबल होगा, जैसे यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। तो मुझे यहाँ पर नाम सुधार करना है, पहले देखिए यहाँ पर नाम प्रिंस कुमार है इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में प्रिंस कुमार लिखा हुआ है, तो इसको सुधार करना है मुझे। तो सुधार करने के लिए नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद यहाँ पर डिटेल्स भी अपडेट, जो नाम आपको अपडेट करना है वहाँ पर, इसमें आप नाम लिखेंगे और यहाँ पर हिंदी में नाम लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपका होगा, जो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट दिखाया जा रहा है इसमें से कोई भी आप डॉक्यूमेंट अपना सिलेक्ट करेंगे। और डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट को, और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आगे का प्रोसेस शो कर देता हूँ।
तो जो मुझे सुधार करना था नाम, वो मैं यहाँ पर नाम टाइप कर चुका हूँ जो यहाँ पर आपको शो हो पा रहा है। मैं यहाँ पर नाम इनका टाइप कर चुका हूँ। इसके बाद यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट मैनुअल अपडेट जो लिखा गया है अपलोड का, तो यहाँ पर अपलोड मुझे करना है। तो अपलोड करने के लिए इनमें से पहले आप डॉक्यूमेंट को चूज कर लेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे इनमें से, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट होगा इनमें से, जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास, इस तरीके से टिकआउट लगाएंगे। और टिकआउट लगाने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि अपलोड करना है। तो अपलोड इस तरीके से शो हो जाएगा। इसके बाद ओके कीजिएगा, और ओके करने के बाद कीजिएगा यहाँ पर कंटिन्यू टू अपलोड। यहाँ पर आपको फाइल चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा। जब आपका फाइल अपलोड हो जाएगा तो इस तरीके से ग्रीन हो जाएगा, ये वाला जो 100% यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरीके से ग्रीन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ नेक्स्ट का जो सेक्शन दिया गया है इस पर क्लिक करना होगा। साथ साथ में यहाँ पर जैसे ही अपलोड हो जाए तो ग्रीन तो होगा ही, लेकिन यहाँ पर आपको फोटो भी देखने को मिल जाएगा जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है। इसलिए यहाँ पर नेक्स्ट पर आगे का प्रोसेस करने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा, जो डिटेल आपने फिलअप किया है, जो सही किया है, सुधार किया है, वो प्रीव्यू यहाँ पर दिखाने के लिए मिल जाएगा। जो आपका सुधार किए हैं वो आपको देखेंगे। यहाँ पर देखिए मेरा यहाँ पर जो नाम में प्रॉब्लम था, यहाँ पर नाम सुधार कर चुका हूँ, जो यहाँ पर नाम हिंदी में भी सही है और इंग्लिश में भी अब सही है। इसके बाद यहाँ पर दोनों चेक बॉक्स पर टिक लगाना है। इसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, तो पेमेंट करने के लिए इस पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद मेक पेमेंट। इसके बाद यहाँ पर पेमेंट आप जिस भी मेथड से आप पेमेंट करना चाहेंगे उस मेथड से आप पेमेंट कर सकते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर शो हो पा रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पर UPI के माध्यम से पेमेंट कर लेता हूँ। UPI पर क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद जो भी आपके पास होगा, फ़ोनपे, पेटीएम, जो भी होगा, आप अपने अनुसार से कर लीजिएगा। मैं रिक्वेस्ट फोन पे पर डाल चुका हूँ। यहाँ पर मैं UPI से माध्यम से यहाँ पर पेमेंट कर रहा हूँ फोन पे के माध्यम से। तो चलिए मैं यहाँ पर पेमेंट के लिए प्रोसेस कर दिया अपने फ़ोन में, और यहाँ पर आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा इस तरीके से, जो यहाँ पर आपको शो हो पा रहा है। इस तरीके से यहाँ पर पेमेंट आपका सक्सेस हो जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। इसके बाद ये वाला डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट नंबर वाला पर इस पर क्लिक कीजिएगा। ये वाला पेज आपको डाउनलोड कर लेना है, ताकि आपको रेफरेंस आपको मिल जाए, ताकि आपको फ्यूचर में आपको कोई भी स्टेटस चेक करना हो कि आपका सही हुआ है अथवा नहीं, उसके से आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप आधार कार्ड में बिना आधार सेंटर गए हुए आप घर बैठे आप सुधार कर सकते हैं, कुछ भी हो, चाहे नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी होगा, आप सुधार कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए। मैंने में किसी भी तरह का अगर सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर पूछ लीजिएगा।